नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दर्शकों, आप जानते ही हैं, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में हर सप्ताह नए विषय के साथ हम उपस्थित हो जाते हैं और कोशिश हम ये करते हैं कि उस विषय में विस्तृत रूप से स्टूडियो में बैठकर चर्चा करें, जिससे कि घर बैठे हम आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकें। हमारे दर्शक ये जानते ही होंगे, पिछले सप्ताह यानी कि 12 मार्च से 18 मार्च तक पूरे विश्व में मनाया गया ग्लोकोमा अवेयरनेस वीक यानी कि काला मोतिया जागरूकता सप्ताह। इसको मनाने के पीछे का उद्देश्य ये था कि ये नेत्र रोग इस तरह का रोग है जिसको कि समय पर अगर जांच लिया जाए, पकड़ लिया जाए, तो इसके वहीं पर इसको रोका जा सकता है। अन्यथा, क्योंकि इसमें कोई किसी तरह के सिम्टम्स नहीं होते, इसके बारे में पता ही नहीं चलता जब तक कि नेत्र को काफी, हमारी जो दृष्टि है उसको काफी क्षति पहुंच जाती है, इसीलिए ये जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। तो हमने भी सोचा क्यों ना इसी विषय पर बातचीत की जाए। पिछले सप्ताह की गतिविधियों पर भी हम बातचीत करेंगे और किस तरह के ग्लोकोमा से बचाव संभव है, किस तरह के इलाज हैं और पहले से ही क्या प्रिकॉशन लिया जाए जिससे कि ग्लोकोमा हो ही ना। तो बहुत सारी बातचीत हम तो पूछेंगे अपने विशेषज्ञ से। अगर आपके मन में भी किसी भी तरह की कोई जिज्ञासा है ग्लोकोमा को लेकर, हाँ, लेकिन अगर आपके मन में नेत्र रोग को लेकर भी किसी भी तरह की कोई समस्या है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप वो भी पूछ सकते हैं। तो जल्दी से हमारे मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए, जिन नंबरों के माध्यम से आप हमसे अपने प्रश्नों को पहुंचाने वाले हैं। जल्दी से हमारे नंबर नोट कर लीजिए। हमारे नंबर्स हैं 7579428028, दूसरा नंबर है 7579428047। नंबर्स लिख लिए हैं तो मिला लीजिए 7579428028, दूसरा नंबर है 7579428047। YouTube के माध्यम से भी आप अपने कमेंट के माध्यम से अपने जिज्ञासा को हम तक पहुंचा सकते हैं। कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स को अपने कार्यक्रम में शामिल करने की। काला मोतिया कारण व उपचार, ये है हमारा आज का विषय और विषय से संबंधित आप प्रश्न कीजिएगा। और मैं अपने दर्शकों से हर बार ये निवेदन करती हूं कि जैसे ही आपकी बातचीत हमसे शुरू हो जाती है, कॉल कनेक्ट हो जाती है, तो आप जो है टीवी की आवाज को या तो कम कर दीजिए या फिर थोड़ी सी दूरी बनाइए। उसके बाद अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो आपके प्रश्न को हम स्पष्ट रूप से सुन पाएंगे। ज्यादातर हमारे दर्शक अपनी आवाज को आप टीवी पर सुनना चाहते हैं, जिससे होता यह है कि हम आपकी आवाज नहीं सुन पाते हैं। और फिर ये भी एक निवेदन मैं करती हूँ कि जैसे ही आप प्रश्न अपना पूछते हैं ना, तो एक ही बार में पूरा प्रश्न पूछ लीजिए, फिर आप अपने उत्तर को टीवी के माध्यम से सुन सकते हैं। ग्लोकोमा के विषय में हम बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं और इस विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है देहरादून शहर के वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर चिराग बहुगुणा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कि जो हमने पिछले सप्ताह पूरे सप्ताह जो है ग्लोकोमा को डेडिकेट किया गया एक तरीके से, क्या गतिविधियां रही? देखिए, हर साल मार्च के महीने में एक सप्ताह के लिए ग्लोकोमा जागरूक सप्ताह मनाया जाता है, तो इस वर्ष भी हमने 12 से 18 मार्च के मध्य ये बनाया जी। तो इसमें जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें सेमिनार आयोजित किए गए और देहरादून ऑप्थल्मिक सोसाइटी और IMS मिलके उसमें ग्लोकोमा अवेयरनेस वॉक भी किया गया। मेन इसका उद्देश्य है कि लोग जागरूक हो सकें कि काला मोतिया इतनी खतरनाक बीमारी है जिसके कोई सिम्टम नहीं है, कोई लक्षण नहीं है, और धीरे धीरे ये आपको अपनी गिरफ्त में ले लेती है और लंबे टाइम के बाद ये आप आंखों में धुंधलापन और हमारी नेत्र शक्ति छीन लेती है। बिल्कुल, काफी दिनों के बाद हमें पता चलता है, काफी टाइम हो जाता है तब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताए ना, हर साल एक थीम जरूर होती है, इस वर्ष की थीम क्या है? देखिए, इस वर्ष की थीम है द वर्ल्ड इज ब्राइट, सेव योर साइट। इसका अगर हम कहें जी कि देखिए दुनिया तो ब्राइट है जी, लेकिन आपको अपनी साइट को बचाना होगा, दृष्टि को बचाना होगा क्योंकि चकाचौंध भरी हमारी दुनिया, उसको अगर आपको देखना है तो अपने आपको दृष्टि को बचाना होगा। जानते ही हैं, दुनिया इतनी खूबसूरत है जी, उसे देखने के लिए तो हमें आंखें ही चाहिए जी। जी जी, डॉक्टर साहब एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उसके बाद हम बातचीत जारी रखेंगे, कॉल ले लेते हैं जी। हेलो, नमस्कार, नाम बता दीजिए। मेरा नाम दौलत सिंह चौहान है। मैं अपनी पोती से के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। पूछिए। काफी टाइम से चश्मा लगा हुआ है जी, लेकिन अगर चश्मा उतारते हैं तो उनको कुछ ही दिखाई देता है। अच्छा जी, उम्र बच्चे की उम्र बता दीजिए। 18 साल। जी जी, देखिए 18 साल में या तो प्लस नंबर होगा या माइनस नंबर हो सकता। अब देखिए,
चश्मा तो इसलिए लगाया क्योंकि उसमें कोई रिफ्रेक्टिव एरर होगा, अगर हम चश्मा उतार देंगे तो वो जो लाइट है या जो भी चीज़ हम ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहे हैं वो एकदम पर्दे पे रेटिना पे फोकस नहीं होगी, तो बिना चश्मे के तो देखना उसमें उचित नहीं है। चश्मा लगा के वो जो रेज हैं वो ऑब्जेक्ट इमेज हमारी पर्दे में फोकस होती है और ठीक से वो हमारे ब्रेन तक जाती है तो हमें साफ दिखाई देता है, तो बिना चश्मे के इसमें साफ नहीं दिखाई देगा आपको। डॉक्टर साहब ये बताइए ना कि अगर जैसे चश्मा इनका उतर सके ऐसा क्या किया जाए? देखिए अभी 18 वर्ष के हो गए हैं तो जितना किताब में भी लिखा है और आजकल बहुत सारी थीसिस और ये सब हो चुके हैं कि जितना नेचुरल लाइट में हम रहेंगे, जितना कम हम कंप्यूटर में या मोबाइल पर बहुत ज़्यादा समय देने लगे तो उसमें जितना फ्रीक्वेंट ब्रेक लेंगे, जितना सनलाइट में रहेंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उसमें, तो चश्मे का नंबर कुछ हद तक घटाया जा सकता है। पर एक बार एक टाइम होता है, अब ये ऑप्शंस पूछे हैं कि क्या है चश्मा हटाने का, तो उसमें हम या तो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर सकते हैं या तो फिर ऑपरेशन द्वारा ही उसका निदान है। अच्छा, नहीं तो चश्मा इनको पहनना पड़ेगा। पहनना ही पड़ेगा, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अपने सब्जेक्ट पे आ जाते हैं, जैसे अगर काला मोतिया की अगर हम बात करते हैं तो क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए काला मोतिया एक ग्रुप ऑफ डिजीज है, बहुत बीमारियां हैं। ये आप सोचिए जैसे आंख एक बॉल की तरह होता है, एक हौदी की तरह होती है, सिंक की तरह होता है जिसमें कि नल हमेशा खुला हुआ है। अच्छा, तो ये जो आंख है उसमें हमेशा एक जल जिसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं आंख के अंडर प्रोड्यूस होता रहता है और आंख में कुछ आप मान के चलिए नालियां होती है जहाँ से ये एग्जिट होता है। तो जब या तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है या तो जब नालियों में सिकुड़न हो रही है या ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है इसको बहने में तो आँख का प्रेशर रुकावट आ रही है, तो आँख का प्रेशर धीरे धीमे धीमे बढ़ता जाता है और ये प्रेशर हमारी जो आँख की नस है उस पर पड़ने लगता है, तो धीरे 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 हमारी आँख की नस सूखने लगती है। अच्छा, तो काला मोतिया हमारे आँख की नस का रोग है जो कि आँख का प्रेशर बढ़ने से होती है। अच्छा, अभी आपने कहा है कि काला मोतिया अपने आप में बहुत सारे रोगों का समूह है, इसके बारे में मैं आपसे जानूंगी। एक कॉलर है जुड़ चुके, कॉल ले लेते हैं। हेलो, नमस्कार, नाम बता दीजिए। जी पूछिए, क्या जानना चाह रहे हैं आप? मैडम नमस्कार। हेलो मैडम नमस्कार। नमस्कार जी, आप बताइए। जी सर, एक्चुअली मैंने दोपहर में आज मतलब रहता हूँ तो आंखों से इतना ज्यादा आंसू आने लगता है, बहुत ज्यादा आंसू आने लगता है, मतलब ऐसा मुझे लगता है कि मेरी आंखें बहुत कमजोर हो गई है। अच्छा, आंखें कमजोर हो गई है तो 40 साल का हूँ। अच्छा, आपने जांच करवाई है? नजदीक का चश्मा रीडिंग के लिए जो चश्मा पहनते वो लगाया आपको? नहीं, मुझे कभी चश्मा लगा नहीं, मैंने लगाया नहीं, मैंने चके मैं चाह रहा था कि मैं ना लगे कोई चश्मा वगैरह, बल्कि खाने पीने में आंखों से ये चाह रहे हैं कि देखिए जी 40 साल के हो गए और बता रहे हैं कि आंख से पानी आ रहा है, तो इसके तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। चश्मा लगानी और लगाना भी नहीं चाहते? नहीं नहीं, तो देखिए जैसे हमारी उम्र हो जाती है, बढ़ती उम्र को रोका नहीं जा सकता, ठीक उसी प्रकार जब हमारी एज बढ़ती रहती है तो लेंस जो आँख के अंदर है वो कुछ मसल्स से कनेक्टेड होता है, वो धीरे धीरे हमारी मांसपेशियाँ जो है वीक होने लगती है, तो जब वो वीक होने लगती है तो हमारा खुद से ही चश्मे का नंबर आने लगता है, प्लस नंबर की तरफ आने लगता है, तो वो तो इनको लगाना ही पड़ेगा। नजदीक आंखों से पानी आने के पीछे कहीं यही वजह तो नहीं है? ये भी हो सकती है जब स्ट्रेन होता है, पर बाकी हम जब ये चेकअप कराएंगे तब पता लगेगा कहीं अश्रु जो नलिकाएं हैं कहीं वो तो अवरुद्ध नहीं हो रही हैं। जी, तो इनको एक जांच की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल। जैसे इन्होंने कहा कि 40 साल की उम्र हो गई है, चश्मा लगाना नहीं चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं जो वो पानी निकल रहा है तो हो सकता है जोर पड़ रहा है आपको पर, इसी वजह से ना, तो इनको जांच करवा लेनी चाहिए। तो आप अपनी जांच जरूर एक बार करवा लीजिएगा। डॉक्टर साहब एक कॉलर और जुड़ चुके हैं, कॉल लेते हैं। हेलो, लगता है इनका संपर्क जो है कट गया है हमसे। डॉक्टर साहब जैसे हम आप कह रहे थे कि जो है काला मोतिया अपने आप में बहुत सारे नेत्र रोगों का समूह है, तो जैसे आपने कहा कि ब्लॉकेज अगर आ जाती है या एक्सेस में फ्लो होता है तो ये काला मोतिया की प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसके बारे में हमें पता कैसे चलेगा कि हमें काला मोतिया? काला मोतिया देखिए, काला मोतिया ऐसी बीमारी है जो कि सबसे पहले हमारे जो जैसे हम दृष्टि देख रहे हैं तो हमारे दृष्टि का जो क्षेत्रफल है एक होता है सेंट्रल और एक होता है पेरिफेरल, मतलब परिधि वाला, तो सबसे पहले परिधि में जो हमारी दृष्टि के क्षेत्रफल में नुकसान होने लगता है साइड व्यू में, जो कि हम बहुत बहुत बाद में नोटिस कर पाते हैं, और जो सेंट्रल विजन है वो बहुत देर तक बचा रहता है, तो हमें पता ही नहीं, आभास ही नहीं हो पाता कि हमें कोई बीमारी है। बातचीत जारी रखेंगे, मैं रोक रही हूं आपको। कॉलर जुड़ चुके, कॉल लेते पहले। हेलो,
लगता है इनका संपर्क जो है फिर से कट गया है। हम अपने दर्शकों से निवेदन करेंगे कि थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए, जब तक हम आपका कॉल लेते हैं तब तक थोड़ी सी आप लाइन पर बने रहें, प्रतीक्षा कीजिएगा। जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि मतलब जी बताइए। जो दृष्टि का क्षेत्रफल है पेरिफ्री में, मतलब परिधि में ही होता है, और सेंट्रल विजन एकदम लास्ट तक बचा रहता, तो पता ही नहीं चलता कि हमें कोई बीमारी भी है। तो यही इसलिए कहा गया कि हर 40 साल के, हर जब हम 40 साल के होते हैं, एक बार हमें जरूर अपना आई चेकअप जरूर कराना चाहते हैं। ये इसी प्रकार है जैसे कि हर साल हमारा जन्मदिन आता है, तो मैं तो कहता हूँ हर साल अपने जन्मदिन के दिन ही अपना आई चेकअप कराना चाहिए। और इससे अच्छा गिफ्ट हम अपने आप को क्या दे सकते हैं, क्योंकि पहला सिख तो निरोगी का ही है। बिल्कुल। और एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार ठीक हम अपनी गाड़ी और बाइक की सर्विस कराते हैं 6-6 महीने में, अपनी सर्विस जरूर करानी चाहिए पहले हमें। अच्छा ये बताइए ना, ओपीडी में बिना किसी सिम्टम बिना किसी प्रॉब्लम के लोग आते हैं? जी जी, देखिए कई बार कई लोग जागरूक हैं, कहते हैं सर मैं 40 साल का हो गया, मैं अपना आई चेकअप कराना चाहता हूँ, तो हमें बहुत खुशी होती है। अच्छा। और देखिए काला मुद्दे के कोई सिम्टम भी नहीं है, जो उसका ओपन एंगल वेरिएंट है उसमें कोई सिम्टम नहीं आते। कई बार ऐसे केसेस हैं कि 100 में से 90 लोग तभी पकड़े जाते हैं जब उनका विस्तृत जाँच करते हैं, तब हमें कहते हैं कि आपको काला किसी अन्य समस्या के लिए आते हैं। तो हम देखते हैं, पर्दा देखते हैं, आँख का प्रेशर चेक करते हैं, तब हम बोलते हैं कि आपको कहीं फैमिली में तो नहीं था, तो ऐसे में पकड़ में आते हैं, अपने आप से ये पकड़ में नहीं आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ सिम्टम्स तो होते होंगे, जैसे इसमें कुछ लोगों में कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं जी। कई बार आंखों में भारीपन होना, कई बार सर दर्द होना, बार बार चश्मे का नंबर बदलना। अच्छा। और इसमें एक वेरिएंट होता है एंगल क्लोजर वेरिएंट, जिसमें बहुत तेज दर्द भी हो सकता है कई बार, और रोशनी के चारों ओर से रंगीन छल्ले से दिखाई देते हैं। अच्छा, जो इंद्रधनुष वाला रंग, पर ये ऐसे बहुत कम लोगों में होता है। जी जी जी। तो इस कारण ही बहुत लेट तक। अच्छा, दर्द की जो आपने बात कही, आंखों में दर्द होता है? जी, आंखों में दर्द होता है, कई बार पूरे सर तक जाता है, कई लोगों को उल्टी आने जैसा भी होता है, तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी के फॉर्म में, पर ये बहुत कम केसेस होते हैं ऐसे। अच्छा, इसीलिए कहा जाता है कि काला मोतिया जो है इसके सिम्टम्स नहीं होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, और ये जो सिम्टम्स हैं हमें शायद बहुत जल्दी से हम नोटिस भी नहीं करते, क्योंकि हमारे समझ में नहीं आता कि ये हमारी आंखों की वजह से दिक्कत हो रही है। डॉक्टर साहब ये भी बताएं हमें, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं काला मोतिया और सफेद मोतिया में भी कंफ्यूज होते जी हैं जी। तो सफेद मोतिया और काला मोतिया में अगर हम डिफरेंशिएट करें तो क्या है? चलिए मैं आपको एक मॉडल है उसके हिसाब से बताना चाहूंगा जी। देखिए एक ही आई का मॉडल है, ठीक है, जो आप पूछ रहे हैं सफेद मोतिया हमारे आंख के लेंस में होता है, जो कि ये रहा काली पुतली के पीछे है। तो इसमें जब पारदर्शिता खत्म हो जाती है और ये दूधिया रंग का हो सकता है, तो ये सफेद मोतिया है। काला मोतिया जैसे मैंने पहले ही बताया, ये आंखों की नस की बीमारी है, जो कि आंख की नस ये है, ये कि मान के चलिए कि ये नस एक केबल की तरह है जो जुड़ जाती है ब्रेन में, और फिर जब हमारी सारी इसमें ऑब्जेक्ट फोकस होते हैं तब ये दिखाई देता है हमें। तो काला मोतिया हमारे आंख की नस की बीमारी है जी। और सफेद मोतिया आंख के लेंस की बीमारी है, ठीक है, तो दोनों का अलग अलग उपचार है। तो लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि जब सफेद मोतिया पक जाता है तो एकदम रोशनी बदल ऑपरेशन के बाद आ जाती है, पर काला मोतिया में ऐसा नहीं है। जितना जल्दी हम इसे कैच कर लेंगे बीमारी को, उतना जल्दी हम इसका इलाज शुरू कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने मॉडल से हमें समझा दिया कि दूधिया अगर आंखों की पुतली जो है दूधिया सी होने लगे तो समझ जाना चाहिए हमें कि सफेद मोतिया हो रहा है। जी जी। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि सफेद मोतिया पता भी चल जाता है, डायग्नोज हो जाता है, डॉक्टर बता देते हैं, लेकिन लोग इंतजार करते रहते हैं कि आज नहीं कल, कल नहीं अगले महीने, ऐसे करते करते वो ये सोचते हैं कि ये पक जाए तब जाके ही मैं इसको ऑपरेट करवाऊंगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम बहुत देर तक इंतजार करते रहें तो सफेद मोतिया काला मोतिया में कन्वर्ट हो जाए? जी जी, बहुत आपने उचित प्रश्न पूछा। जब सफेद मोतिया, देखिए लेंस ऐसी चीज है जो लाइफ टाइम ग्रो करती रहती है, बढ़ती रहती है, जब सफेद मोतिया पकता जाएगा तो उसका साइज बढ़ता जाता है, जब साइज बढ़ता जाता है तो आंखों की नलियों को वो रोकना शुरू कर देता है, तो उसको हम कहते हैं लेंस इंड्यूस्ड फेकोमॉर्फिक ग्लोकोमा भी कहा जाता है। तो ऐसे कई लोग होते हैं जिनका मोतिया पक जाता है या फटने की कगार पे होता है, उस टाइम पे उनको लेंस इंड्यूस्ड ग्लोकोमा काला मोतिया हो जाता है, तो उसका तुरंत सर्जरी करनी चाहिए। तो हमें इतना देर नहीं करना चाहिए कि मोतियाबिंद पके। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, साथ में ये भी बताया, कई बार ऐसा भी सुनने में आता है कि चेकअप के लिए गए तो वहां पर ये था कि उनको ये पता चला कैटरेक्ट तो है लेकिन साथ में काला मोतिया भी है। जी जी। तो उस स्थिति में क्या किया जाता है? देखिए सबसे पहले तो हम काला मोतिया के लिए तीन जांचें करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आपका आंख का प्रेशर कैसा है, अच्छा आंख की नस कैसी है, और एक और टेस्ट जिसे विजुअल फील्ड टेस्ट कहते हैं वो करते हैं। जब तीनों का रिजल्ट हम इंटरप्रेट कर लेते हैं तब बताते हैं कि आपको काला मोतिया है। तो तब हम देखते हैं आंख का प्रेशर कितना है। अगर ऑपरेशन होना भी है सफ़ेद मोतिया का तो हम काले मोतिया की दवाइयाँ उसमें स्टार्ट कर देते हैं, और जब प्रेशर नॉर्मल हो जाता है तो हम उसका सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन कर देते हैं।
अच्छा, मतलब सफेद मोतिया जो है ऑपरेट करके? हाँ जी, जी वो कर सकते हैं, और मोतियाबिंद हटाने के बाद भी 1 या 2 मिलीमीटर मरकरी का प्रेशर भी कम होता है, तो वो भी आंख के लिए लाभदायक रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ में ये बताइए कि जैसे काला मोतिया के लिए प्रोन अगर लोग हैं तो वो कौन होंगे? देखिए वो लोग प्रोन हैं जैसे कि जिनमें रिस्क फैक्टर, आप जिसमें बताऊं, जैसे जिनका एक तो आंख का प्रेशर बढ़ा हुआ है, जिसमें एक होता है हमारा आंख का कप, आंख की नस, उसका व्यास बहुत बढ़ा हुआ है, कप डिस रेशियो बहुत हाई है, तो वो कैसे पता चलेगा सर? ये हमें देखिए आम लोगों के लिए जो आप पूछ रहे हैं, जिनको हेरिडिटरी होता है, देखिए काला मोतिया हेरिडिटरी भी हो सकता है, जैसे मदर फादर परिवार में है या हमारे रिश्तेदारों को है, तो हमें 10% रिस्क है काला मोतिया होने का। दूसरा, कई लोग जिन्होंने बचपन में कई बार चोट लगी होती है, बॉल से खेल रहे होते हैं, तो कई साल बाद ये काला मोतिया में कन्वर्ट हो जाती है आंखों में। ये मैं आपसे पूछूंगी, अगर जैसे माना किसी को आंख में चोट लगी है, 5 साल पहले लगी है, जी, जी, तो 5 साल के बाद वो बाद भी, हाँ जी, धीरे 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 आंख की नलियां सिकुड़ने लगती हैं जी, तो ट्रॉमा। दूसरा है कि बार बार आपके आंख में इंट्राओकुलर सर्जरी भी है, अगर किसी आंख में बार बार ऑपरेशन हुआ है, तो वो रिस्क फैक्टर है। इवन माइग्रेन इज अ रिस्क फैक्टर, माइग्रेन भी रिस्क फैक्टर है काला मोतिया के लिए। अच्छा। और आप देखें कि कई हमारे ऐसे बीमारियां जिसमें हमें कि स्टेरॉइड की आई ड्रॉप ले रहे हैं, आमतौर पर एलर्जीज के लिए लोग ले लेते हैं, एस्थमा के लिए हम पंप लेते हैं, आर्थराइटिस के लिए, गठिया के लिए, और देखिए कोविड भी गया है अभी, कोविड में भी हमने लंबे समय कई लोगों ने स्टेरॉइड खाई है। बिल्कुल, स्टेरॉइड पे आगे बात जारी रखेंगे हम, कॉल ले लेते हैं। हेलो, हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। राम कुमार सिंह मैडम जी। राम कुमार जी, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं आप? मैडम मेरी थोड़ा 22 से 23 दिन से आप राम कुमार सिंह से पूछिए, टीवी की आवाज को कम कर दीजिए और प्रश्न पूछिए। ठीक 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 मैडम। मैडम मेरी आंख में जो है 20-22 दिन से सिकना बहुत ज्यादा कम हो गया है, ये मात्र अभी 25 डेज हो रहा है जी। दोनों आंखों तो में? एक आंख, बाई आंख में। बाई आंख में जी। तो मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहूंगा थोड़ा सा कि इसमें क्या हो सकता है। मैंने कोरदार बेस हॉस्पिटल में मैंने चेक करवाया था, तो उन्होंने ट्यूब दे रखी है मेरे को, दो आई ड्रॉप, आई ड्रॉप से भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो ये परिस्थिति हो गई, मतलब वैसे ही है अभी जी। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 53 मैडम। 53। देखिए इनका प्रश्न तो वैसा है, पर बिना देखे जब तक डायग्नोसिस नहीं बना पाएंगे हम। फिर भी इनके कहने के अनुसार आपको कितना समझ में आ रहा है? देखिए कह रहे हैं कि 15-20 दिन ही है, मतलब कोई एक्यूट प्रॉब्लम हुई है, और आंख में दर्द है या नहीं है ये उन्होंने बताया नहीं। अगर आप लाइन पे बने हुए तो बता सकते? कोई दर्द नहीं है? नहीं है, दर्द नहीं है कुछ। अच्छा, दर्द नहीं है, बस दिखना कम हो गया आपको ना? दिखना कम हो गया, कभी कभी बाई साइड, उसी साइड में सर में दर्द होता है। जी जी, तो ये आपका आंख का प्रेशर और आंख का पर्दा जरूर जांचा होगा डॉक्टर ने उधर, उन्होंने दवाई दी है डालने के लिए। जी जी, तो देखिए बिना देखे इसका आई ड्रॉप दी है सर। हाँ जी, हाँ जी, आई ड्रॉप तो दी है, पर देखना पड़ेगा इनके पर्दे में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो पेनलेस कंडीशंस होती है उसमें कहीं पर्दे में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। इवन जो मोतियाबिंद भी है वो भी पेनलेस होता है। अच्छा। तो ये सब चीजें मशीन पे देखे ही एक बार बताया जा सकता है। एडवाइस क्या रहेगा? मेरा एडवाइस ये रहेगा कि इनको दिखाना चाहिए उन डॉक्टर को, और डायग्नोसिस जब तक हम नहीं जान लेते क्या है, उस हिसाब से इनका ट्रीटमेंट होगा। एक बार आप अपने निकट में जो भी आंखों का अस्पताल होगा वहां पर जाके आप जांच जरूर करवा लीजिए, क्योंकि जो है ये जांच करवाना बहुत जरूरी है। लगता है आपको अपने प्रश्न का उत्तर जरूर मिला होगा। देखिए आप अपने जांच जरूर करवाइए, उसके बाद ही आगे का जो है, जो ड्रॉप्स आपको दी गई हैं उसको कंटिन्यू करना है या उसको चेंज करना है, ये डॉक्टर ही डिसाइड कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक कॉलर और जुड़ चुके, कॉल लेते हैं। हेलो। हाँ मैडम, मैं प्रदीप बोल रहा हूँ भोपाल से। जी प्रदीप जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, मेरा प्रश्न डॉक्टर चिराग से है। जी, जी। डॉक्टर साहब आप ये बताइए, आपने जस्ट अभी बताया कि जो ग्लाउकोमा है इसको हिंदी में लिटरली वैसे देखा जाए तो कांचियाबिंद कहा जाता है, और वो सफेद वाला जो है उसे मोतियाबिंद कहा जाता है। जी। तो नर्व की प्रॉब्लम है, नर्व के डैमेज होने से होती है, ऑप्टिक नर्व जो कि ब्रेन को जाती है। जी, तो यदि कोई न्यूरल डिसऑर्डर होता है वो ब्रेन से कनेक्टेड होता है तो उसके तो सिम्टम्स मिलते हैं फिर आदमी को, इसके सिम्टम्स क्यों नहीं मिलते हैं? और भारत में इस बीमारी का क्या परसेंटेज है, इसका परसेंटेज क्या है? टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप होने के बाद आज इसका इलाज क्यों नहीं मिल पा रहा पूरी तरह से, प्लीज बताइए थोड़ा। जी जी, देखिए ब्रेन में सिम्टम है, तो ब्रेन में अगर जैसे पूछ रहे हैं कि ट्यूमर के सिम्टम मिलते हैं जल्दी, तो देखिए ये विजुअल फील्ड हम जब करते हैं, जब ब्रेन के किस
एरिया में ट्यूमर है, उस हिसाब से सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं. पर काला मोतिया क्या है कि बहुत धीरे, मैं पहले ही बताया कि पेरिफ्री में हमें प्रॉब्लम होती है, सेंटर विजन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, तो इसलिए हमें पता ही नहीं लग पा रहा, पता ही नहीं है ना, क्योंकि पेरिफ्री में हमें नहीं देख पा रहे हैं और हम आगे बिल्कुल देख रहे हैं, तो इसलिए हमारे सिम्टम नहीं है इसमें ओपन एंगल वेरिएंट में. दूसरा ये पूछ रहे हैं कि कितना हो रहा है. भारत में अभी 12 मिलियन लोग इसकी गिरफ्त में है और हर साल कम से कम 1.2 मिलियन लोग इसकी वजह से अपनी आंखें खो बैठते हैं. बिल्कुल, ये कहा जाता है कि जितने लोग भी डायग्नोज होते हैं उसमें से 2% ऐसे होते हैं जो कि लेट डिटेक्ट होते हैं, लेट से वो आते हैं, जिसकी वजह से जो है काला मोतिया की वजह से उनकी जो नेत्र की देखने की जो शक्ति होती है या नेत्र जो है उनकी वो जो है वो खराब हो जाती है. और जैसे प्रदीप जी ने एक ये भी प्रश्न पूछा था कि भारत में इतना एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है लेकिन क्यों नहीं हुआ, भारत में ही नहीं प्रदीप जी, पूरे विश्व में कहीं भी इसका इलाज नहीं है. काला मोतिया की प्रकृति ऐसी है कि इसके कोई लक्षण नहीं है, है ना जी. तो इसकी बीमारी की प्रकृति ऐसी कि कोई इसमें लक्षण आते नहीं है शुरुआती दौर पे, और हम खुद भी अवेयर होने चाहिए कि 40 साल के बाद हमें हर साल, आप मैं ये खुद इनसे पूछना चाहूंगा कि खुद कितने लोग हम लोग हैं जो 40 साल के बाद अपनी आंखों का चेक के लिए हर साल जाते हैं, जब कोई दिक्कत ना हो, जब दिक्कत ही ना हो, है ना. तो इसमें जब दिक्कत नहीं है तो भी दिखाना है, यही तो संदेश हमें देना है जी, जी. कि 40 साल के बाद हर साल हमें अपनी आंखों का चेकअप जरूर कराना है. बिल्कुल. अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसे अगर डायग्नोस हो गया जी काला मोतिया है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? देखिए जब डायग्नोस हो जाता है तो हमें देख लेते हैं कि इसमें कौन सा वेरिएंट है, कहीं ओपन एंगल जिसे कहते हैं जिसमें आंखों की नालियां ठीक है, या क्लोज्ड एंगल कहीं आंखों की नालियां बंद तो नहीं हो रही, तो उसका दोनों का अलग अलग इलाज है. जैसे फिर इसमें हम मेडिकेशन सबसे प्रमुख हुआ है, तो हम देख लेते हैं कि इनका आंख का प्रेशर कितना है, 20-22 से ऊपर तो नहीं जा रहा, तो हम मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं. पहले हम सिंगल मेडिकेशन देखते हैं जी. और फिर से इनको बुलाते हैं, आंख का प्रेशर चेक करते हैं और विजुअल फील्ड एक टेस्ट होता है, आंखें की नस देखते हैं और दवाइयाँ स्टार्ट कर देते हैं. कुछ टाइम बाद या महीने डेढ़ महीने बाद फिर से हम देखते हैं, अगर प्रेशर ठीक है बना हुआ है तो हम वो कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो हम एक दो दवाइयाँ और ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम हम 4 दवाइयाँ इसमें ऐड कर सकते हैं. कई बार हम कॉम्बिनेशन में भी दवाइयाँ देते हैं, तो हम देखते हैं कि प्रोग्रेशन तो नहीं हो रहा है. तो सबसे पहला स्टेप है कि हम इसमें दवाइयाँ ऐड कर देते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि बिल्कुल भी स्ट्रेस इसमें नहीं लेना. अच्छा, स्ट्रेस बहुत बड़ा एक रोल करता है. अच्छा डॉक्टर, जैसे आप कह रहे हैं कि 1 से 2 दवाई, 2 से 4 तक दवाई जो है दे सकते हैं, आई ड्रॉप की बात हम कर रहे हैं ना, तो लेकिन ये भी तो कंफर्म होना चाहिए कि जब पेशेंट को आपने बोला है कि आपको रात को 9 बजे ये ड्रॉप डालना है, तो वो डाल भी रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, ये जरूरी हो जाता है क्योंकि लेके चले जाना काफी नहीं होता है. और कई बार हम भूल भी जाते हैं दवाई डालना, तो अगर आप भूल भी गए तो कोई बात नहीं. कितना सीरियस होना चाहिए इसकी दवाई डालना? बिल्कुल सीरियस होना चाहिए, क्योंकि रात को आंख का प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है. अच्छा, है ना. और हम कई बार 60 इयर्स के हैं, 60 साल के हैं, तो हम और भी दवाइयां खा रहे हैं, बीपी की, हाइपरटेंशन की खा रहे हैं, तो उस टाइम वो दवाइयां भी इनसे इंटरेक्ट करती हैं. तो इसका फिक्स शेड्यूल है दवाइयों का कि सुबह डालें शाम को डालें. कुछ दवाइयां हैं जो सुबह और शाम को डाली जाती हैं, कुछ केवल रात को डाली जाती है. अच्छा, जैसे आप अगर भूल गए तो कोई बात नहीं, जब याद आए नेक्स्ट डे से शुरू कर लीजिए. अच्छा, साथ में ये भी बताएं, जैसे अभी आपने कहा बीपी और कौन से ऐसी बीमारियां हैं जो कि जिसकी वजह से भी काला मोतिया हो सकता है? देखिए, एक तो ब्लड प्रेशर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, दूसरा है डायबिटीज. अच्छा, शुगर में, डायबिटीज में, इवन थायराइड वाले पेशेंट्स में, अगर ज्यादा ओबेसिटी है तो उसमें भी. अच्छा, काला मोतिया के ज्यादा चांसेस हैं. स्टेरॉइड का मैंने आपको बता दिया कि बिल्कुल स्टेरॉइड के बारे में मैं फिर जानूंगी, आपसे कॉल ले लेती हूं पहले. हेलो, नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना. जी, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? पूछिए, टीवी की आवाज को पहले कम कर दीजिए. जी पूछिए, जल्दी से पूछिए. ये पूछ रहा था मैम कि आंखों के लिए सब्जी और फल क्या खाना चाहिए? जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा, अच्छा प्रश्न है. देखिए, सारे फल और सारी सब्जियां एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, तो जो भी फल सब्जी आपके एरिया में है, सारी ताजी फल ताजी सब्जियां जरूर खाने चाहिए. ग्रीन लेफी वेजिटेबल स्पेशली खाने चाहिए, दे आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स. और विटामिन ए से रिलेटेड भी? देखिए, विटामिन ए से रिलेटेड ग्लूकोमा में एकदम कोई डायरेक्ट रोल नहीं है. आंखों के लिए? हाँ जी, आंखों के लिए. देखिए, जो आंखों में कुछ पिगमेंट्स होते हैं हमारे पर्दे में, जो कि जब हम देखते हैं तो वो धुल जाते हैं, तो विटामिन ए उसको बार बार रिसाइकिल करने में मदद करता है, तो इसलिए विटामिन ए का रोल है आई के उसमें, पर एकदम डायरेक्ट रोल काला मोतिया में नहीं है. अच्छा, अब मैं स्टेरॉइड के बारे में आपसे जानना चाहूंगी. कई बार ऐसा होता है कि कुछ दवाएं हम यूज कर रहे होते हैं, कई बार ऐसा तो कुछ ऑइंटमेंट ऐसा होता है जो स्किन के एलर्जी के लिए हम यूज कर रहे होते हैं, उसमें भी स्टेरॉइड होता है, तो क्या उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है? देखिए, स्टेरॉइड का देखिए सिस्टमिक अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है कहीं से भी, तो उसका किसी भी तरीके से चाहे पंप के रूप में हो
चाहे आई ड्रॉप ही हो चाहे गोलियां ही जो हो उसके रूप में। पर देखिए स्टेरॉयड ये नहीं कहूंगा कि खराब दवाई है, स्टेरॉयड अंडर द मेडिकल सुपरविजन है, आपको लेना है, अपनी मर्जी से नहीं लेना है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, एलर्जी थी आपने दवाई डाली और बिल्कुल ठीक हो गई, तो लोग बिना डॉक्टर को दिखाए अपने आप ही वो शुरू कर देते हैं, एक साल दो दो तीन तीन साल तक ओवर द काउंटर जाके लेना, हम लोगों की एक भारतीयों की टेंडेंसी है ये, तो वो थोड़ा गलत चीज है। अंडर द मेडिकल सुपरविजन लेंगे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब एक बात और बताइए, कई बार ऐसा होता है 10-12 साल का बच्चा है उसके लिए किसी डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की कोई ड्रॉप, आई ड्रॉप, एलर्जी है कुछ भी है, लेकिन वो आई ड्रॉप, बच्चा 18 साल का हो गया लेकिन आई ड्रॉप वही चलती रहती, जी जी जी, क्या बदलना चाहिए या फिर वही चल जाता है? नहीं नहीं देखिए इसमें अगर हम सपोज 12 साल के बच्चों को चेक करते हैं तो डॉक्टर जरूर बुलाएगा, 3 हफ्ते बाद बुलाएगा, 3 महीने बाद बुलाएगा, फिर बोलेंगे कि भाई ठीक है तो उसको उनका डोसेज कम करते हैं। जैसे कई बार एक्यूट फेज एक्यूट एलर्जी है तो उसमें स्टेरॉयड देना पड़ता है, पर अब नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स भी हैं जब हम बाद में उनको नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स में रख लेते हैं। अच्छा, पर वो तभी संभव है जब बार बार आप चेकअप के लिए आएंगे, तो इसमें चेकअप कराना बहुत जरूरी है। और काला मोतिया तो लाइफ लॉन्ग डिजीज है, जब तक आप रहने वाले हैं काला मोतिया रहने ही वाला है, तो आपको चाहे आपका डिजीज मेंटेन है चाहे नहीं है, तो आपको डॉक्टर के पास आना ही आना है हमेशा। अच्छा, जब लॉन्ग टाइम की बात आती है ना, तो दवाओं को आई ड्रॉप को डालने की बात जब लॉन्ग टाइम तक आती है, 1 महीना 2 महीना 6 महीना तक तो सिंसियरली लोग यूज कर लेते हैं, डालते भी हैं, और उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि उनको ऐसा लगता है कि इससे कुछ हो तो नहीं रहा है, तो वो ड्रॉप डालना छोड़ देते हैं। तो मतलब क्या फर्क पड़ेगा दवाई डालने से और छोड़ देने से, कितना फर्क आएगा काला मोतिया की अगर मैं बात करूं? देखिए काला मोतिया के जो रिस्क फैक्टर बताया मैंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंट्राओक्युलर प्रेशर, जो आंखों का दबाव है, और वही ऐसा रिस्क फैक्टर है इंट्राओक्युलर प्रेशर जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, और जो सारा थेरेपी है ट्रीटमेंट हमारा इसी प्रेशर पे बेस्ड है। अगर हम अपना दवाई डालें नियमित तौर पे तो प्रेशर कम रहेगा, तो दवा हमारी आंख की नस में कम पड़ेगा, तो बिल्कुल जितना हमारी रोशनी गई है वो तो गई है तो चलेगी, पर जितनी बाकी हमें तो उसको रोकना है। अच्छा, मतलब जो जा चुकी है उसको रिवर्स नहीं कर सकते? उसको रिवर्स अभी नहीं किया जा सकता, ऐसी कोई टेक्निक विकसित अभी नहीं हुई है जी, लेकिन जहां पर आके रुक गए हैं वहीं पर रोका जा सकता है दवाओं से, उन दवाओं से। अगर हम दवा नहीं डालेंगे तो वो फिर बढ़ती चली जाएगी, प्रोग्रेस होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ओके, कॉलर जुड़ चुके हैं, कॉल ले लेते हैं। हेलो, नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। मैडम मैं मध्य प्रदेश रीवा से बोल रहा हूँ, प्रदीप शुक्ला मैडम जी, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं। मैडम एक काला मोतिया अपना सफेद मोतिया बिंद के बारे में जानना चाह रहे हैं। लगता है आपने हमारा प्रोग्राम जो है थोड़ा देर से देखा है, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब संक्षेप में बता दीजिए दोनों के बारे जी, में। जी, देखिए काला मोतिया तो हमारे आंख की नस की बीमारी है, जो आंख का प्रेशर बढ़ने की वजह से हो जाती है, और नस हमारी हानि उसमें हानि होती है, नस सूखने लगती है। जबकि सफ़ेद मोतिया हमारे आंख का जो लेंस होता है इंट्राओक्युलर लेंस, उसकी बीमारी है, और ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है जनरली सफ़ेद मोतिया। तो जो लेंस जो पारदर्शी होता है धीरे धीरे अपनी ट्रांसपेरेंसी लूज करने लगता है और सफ़ेद या ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो सफ़ेद मोतिया हमारे लेंस की बीमारी हुई और काला मोतिया हमारी आंख की नस की बीमारी हुई। अच्छा, सफेद मोतिया ट्रीटेबल है जी, और जो है काला मोतिया जो है ट्रीटेबल तो नहीं है, मैनेजेबल हम कह सकते हैं अभी। अच्छा, अगर सर्जरी की मैं बात करती हूँ तो कितने टाइम तक होल्ड किया जा सकता है काला मोतिया? देखिए काला मोतिया में सर्जरीज भी हैं आज की डेट में, इसमें लेजर सर्जरीज भी हैं और वैसी सर्जरीज भी हैं। मतलब तो कब जाके ये डिसाइड किया जाता है कि अब सर्जरी की जरूरत है? जब हम मैक्सिमम मेडिकल थेरेपी जिसे कहते हैं वो करने के बावजूद भी, चार दवाइयां जैसे मैंने कही आपको कॉम्बिनेशन में, दो शीशों में चार दवाइयां, वो डालने के बावजूद भी आंख का प्रेशर हमारा मेंटेन नहीं हो रहा जो हम मानते हैं कि इतना होना चाहिए, आंख का विजुअल फील्ड जो है वो और सिकुड़ता चला जा रहा है। इसका मतलब ये अब केवल आंख ये दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा और प्रेशर कम करने की जरूरत है। तो और प्रेशर कम करने के लिए तो हम या तो लेजर सर्जरी करते हैं या तो एक और सर्जरी जिसे ट्रेबिकुलॉटमी कहते हैं, ट्रेबिकुलेक्टमी कहते हैं, उसमें नया रास्ता बनाते हैं आंख आंख के पानी के जाने का, तो वो हम करते हैं जी। चलने से पहले अगर एक लाइन में अगर आप संक्षिप्त में मुझे ये बताएं कि सर्जरी के बाद ध्यान देने वाली बात, बहुत संक्षिप्त जी जी, जब एक बार सर्जरी हो जाती है तो ध्यान रखें कम से कम 3 हफ्ते तक आंख में गंदा पानी ना चले जाए, आंख को हम रगड़े नहीं और काला चश्मा पहन के रखें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी जानकारी दी, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, हमें उम्मीद है काला मोतिया विषय पर आज हमने जितनी भी चर्चा की है ये चर्चा आपको जरूर पसंद आई होगी। फीडबैक अगर आप देना चाहें तो दूरदर्शन केंद्र देहरादून उत्तराखंड के पते पर लिखकर हमें भेज सकते हैं। अगले अंक में एक नए विषय के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हेलो डॉक्टर की समस्त टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।